Chapter 6, The Triangle and Its Properties. It's a very interesting chapter. We are going to study about triangles here, and we are also going to study about its various properties. First one is median of a triangle. तो median, एक triangle का median क्या होता है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं. तो सबसे पहले हम सबको पता है कि एक triangle में थ्री साइड्स होते हैं. जैसा आप यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें थ्री साइड्स हैं, एक है ए बी, बी सी और ए सी. ये थ्री साइड्स हैं और थ्री वर्टेक्स हैं, यानी ये जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है, ये इनको क्या कहेंगे, हम वर्टेक्स कहेंगे. और अब मीडियन का डेफिनेशन देखिए. मीडियन इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स. अब मीडियन क्या है? मीडियन एक लाइन सेगमेंट है. क्या है मीडियन? एक लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स को, एक वर्टेक्स को यानी एक पॉइंट को, कौन सा पॉइंट, जिससे ट्रायंगल बन रहा है. यहाँ पे थ्री पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है, एक है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. तो ये थ्री वर्टेसेस से ट्रायंगल फॉर्म हो गया यहाँ पे. तो कोई भी एक वर्टेक्स से, मान लीजिए ए वर्टेक्स से एक लाइन मैंने ड्रॉ की, और वो लाइन इस तरीके से ड्रॉ की कि वो ऑपोजिट वाली साइड, यानी अब ए यहाँ पर है, ए से ऑपोजिट वाली साइड क्या है, ये वाली साइड, यानी नीचे वाली साइड, ये बी सी. तो ये ऑपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट से इंटरसेप्ट करता है. इन द सेंस, एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से ऑपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दे, उस लाइन को क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे. तो ये मीडियन है, और ये मीडियन मिड पॉइंट से कनेक्टेड होता है, मिड पॉइंट और एक वर्टेक्स को कनेक्ट करता है. अब मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये दो इक्वल पार्ट्स में इस पर्टिकुलर साइड को डिवाइड करेगा. और ना कि सिर्फ साइड को, मीडियन ऑल्सो डिवाइड द ट्राइंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, यानी एक ट्राइंगल के दो बराबर टुकड़े करता है. कौन करता है? मीडियन. नेक्स्ट, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. अब एल्टीट्यूड का मतलब होता है सीधी लफ्ज़ों में हाइट. ओके, तो अभी देखिए एल्टीट्यूड क्या है. एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स. यानी एल्टीट्यूड क्या है, एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है जो ड्रॉ की गई है कोई भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड तक, और इस तरीके से ड्रॉ की गई कि वो ऑपोजिट साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो हाइट के लिए कंडीशन क्या है, कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, और मीडियन के लिए कंडीशन क्या है, कि वो वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जॉइन करे. यानी जो पॉइंट ऑपोजिट साइड पे बना वो मिड पॉइंट होना चाहिए. और यहाँ पर मिड पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है एल्टीट्यूड में. एल्टीट्यूड में कंडीशन क्या है, कि वो 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए ऑपोजिट साइड से. अब ऑब्जर्व कीजिए, ये ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में ए से ये मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म हो चुका है. लेकिन क्या ये इसका मिड पॉइंट है? क्या बी डी और सी डी इक्वल लेंथ में? नहीं है. अब इसका मतलब क्या है, कि एक हाइट ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगी. कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है, लेकिन वो सेकेंडरी इश्यू है. नॉर्मली क्या होता है, एल्टीट्यूड एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती, सिर्फ मीडियन डिवाइड करता है. नेक्स्ट, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करिए. ट्रायंगल PQR है ये. ये जो एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के बाहर आएगा. यानी इस ट्रायंगल का, ये एक ट्रायंगल है, मैं इसको शेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ये जो ट्रायंगल है जो मैंने अभी शेड किया है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. इसकी जो हाइट है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो हमेशा याद रखना आपको ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट एक्सटीरियर रीजन में आती है, यानी ट्रायंगल के बाहर वाले हिस्से में आती है. ऑब्जर्व कीजिए ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर एंगल ही 90 डिग्री बना रहा है. ये दो साइड एक दूसरे से एंगल ही 90 डिग्री बना रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पर ये जो साइड है, ये साइड ही इसका हाइट हो चुका होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ऑपोजिट साइड से, यानी बेस से. इस जो हाइट जिस
जिस लाइन से हाइट परपेंडिकुलर होती है उसको बेस कंसिडर किया जाता है।